नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी और हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के गुर्जर आंदोलन की। जयदीप जी, गुर्जर एक बार फिर पटरी पर हैं, लोग परेशान हैं। ये एक सतत होने वाली समस्या बन गई है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उनकी मांग जायज है या नहीं है इस पे बहस होने की बजाय ये जो तरीका है इसको तत्काल प्रभाव से बंद करने के तरीके हमको ढूंढने चाहिए। ये कोर्ट भी निर्देश दे चुकी है कि आवश्यक सेवाओं को आप किसी भी रूप में बंद नहीं कर सकते, अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल नहीं कर सकते। आप अगर दूध या अन्य आवश्यक आपूर्ति को बंद करते हैं, बाधित करते हैं, तो ये अपराध है और इसे अपराध मानकर उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे लगता है जिस तरीके से रेलवे पटरियों को रोक कर आवाजाही रोकी जा रही है ये अपनी मांगे मनवाने का बिल्कुल गलत तरीका है। ये पिछले एक दो दशकों के अंतराल में लगातार मांग गुजरों के आरक्षण की उठती रही है। पिछली तीन सरकारों ने लगातार इस पीड़ा को भोगा है, चाहे वो गहलोत की सरकार हो, कांग्रेस वाली, चाहे ये भाजपा की सरकार हो, और इसको लेकर लगातार राजनीतिक हवा भी गर्म रही है। एक बड़ी समस्या ये है कि हिंदुस्तान में आरक्षण शुरू से ही बहुत पेचीदा मसला रहा है। अगर सारी ही जातियों को आरक्षण मिल जाएगा तो बिना आरक्षण के रहेगा कौन हिंदुस्तान में? और जिस आरक्षण को शुरुआती 10 साल तक लागू करके खत्म कर दिया जाना चाहिए था, खुद बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिसकी संस्तुति की थी, मुझे लगता है कि उस आरक्षण को लंबे समय तक राजनीतिक धरातल की वजह से जो खींचा गया वो इसका जो परिणाम है कि ये नासूर बन गया है, ऐसा नासूर जो कभी मिटाया नहीं जा पा रहा। आप ये देखिए कि वहाँ गुर्जरों की पीड़ा ये है कि मीणा जाति वहीं की राजस्थान की है, उनके पास आरक्षण उपलब्ध है, उस आरक्षण के पात्रता हासिल करके उन्होंने विभिन्न सरकारी नौकरियों और अन्य पदों में अपनी जगह बनाई है। गुर्जर जो हैं अधिकतर या तो खेती किसानी करते हैं या सेना में भर्ती होते हैं या फिर अन्य उनके पास रोजगार के इतने साधन फिलहाल नहीं है। ऐसे में जब कभी खेती किसानी कम बारिश की वजह से या अन्य दुविधाओं की वजह से ठीक से नहीं होती तो उन्हें आरक्षण का ही रास्ता नजर आता है। आजकल समस्या ये है कि हमने आरक्षण को एक ऐसा सफलता का शॉर्टकट बना दिया है कि हर कोई लंबे रास्ते पर चलने के बजाय हिंदुस्तान में जो संसाधनों की कमी है और लोग बहुत ज्यादा हैं उसकी वजह से हर व्यक्ति या तो वीआईपी बनना चाहता है या आरक्षित होना चाहता है। अब आरक्षण के इस रास्ते पर आखिर हम उस कोर्ट कह चुकी है कि 50% से ज्यादा हम आरक्षण नहीं दे सकते, चाहे किसी को भी दें, आप तय करें आप किसको देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत गंभीर पेचीदा मसला है। पूरे हिंदुस्तान में आरक्षण को लेकर नए सिरे से बहस होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता को देखा जाना चाहिए। आरक्षण को लेकर लगातार ये बातें भी सामने आई है क्रीमी लेयर वाली कि यदि किसी पिछड़ी जाति के एक परिवार को दो पीढ़ियों तक, तीन पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ मिल गया तो चौथी पीढ़ी तक उस आरक्षण को आगे क्यों बढ़ाया जाए? क्या वो स्वयं सक्षम होकर अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाकर इस लायक नहीं बना पाया है कि वो अपने दम पर अच्छी नौकरी और अच्छी शिक्षा हासिल कर लें? तो मुझे लगता है हास्यास्पद है पूरा आरक्षण का जो रास्ता है वही हास्यास्पद है। इसमें गुर्जर, मीणा या अगड़ी पिछड़ी या जनजाति या भील जाति की बात नहीं है। आरक्षण इस बात का होना चाहिए कि जो हमारे देश की जनजातियां हैं उनकी संस्कृति को, उनकी धरोहर को कैसे सहज के रखा जाए। उन्हें आरक्षण इसलिए नहीं देना चाहिए कि उनको नौकरियां मिल जाएं या शिक्षा मिल जाए। शिक्षा और नौकरी तो मुफ्त में देना मुझे लगता है वो अपराध है। और मुझे ये लगता है कि आरक्षण पर जब भी बहस होती है समूचे आरक्षण पर बात होनी चाहिए। अब आप किसी को देंगे और किसी को नहीं देंगे तो उसको ये लगेगा कि भाई मुझे भी मिलना चाहिए। जब आप किसी को आरक्षण नहीं देंगे लेकिन ऐसा माहौल बनाएंगे कि जिसमें योग्यता है वो आगे बढ़ जाए तो आपको आरक्षण देने की जरूरत नहीं। बहुत आसान बात है पर उस आसान बात को इतना पेचीदा बना दिया। ये बात ठीक है कि हमारे हिंदुस्तान में जो जाति प्रथा है उसमें सदियों तक बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी जातियों का बहुत जबरदस्त तरीके से शोषण होता रहा है, दमन होता रहा है, और जिस तरह की जिल्लत उन्होंने इतनी सदियों तक झेली है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो हम बड़े वातानुकूलित कमरों में बैठकर बात करते हैं आरक्षण की, तब शायद हम उन दृश्यों को भूल जाते हैं जहां पर हमने देखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े हॉस्टल में भी पढ़ने जाता है तो उसके तीन नौकर जाते हैं। कोई अगर ऊंची जाति का है तो पिछड़ी जाति के लोगों से जिस तरह का, पर ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक आप इसको खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। और आजकल जब ये खत्म हो रहा है तो हम आरक्षण के नाम पर फिर याद दिला रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो आपके बगल में बैठा है, रोज आपके साथ खाना खा रहा है, वो किसी ऐसी जाति से आता है जिसको विशेष सुविधाएं हासिल हैं और जो आप चाहकर भी उसकी जाति को भुला नहीं सकते हैं। ठीक है, गाँवों में, दूरदराज के इलाकों में स्थितियां अभी भी खराब है, लेकिन उनको एक बेहतर सामाजिक परिदृश्य के जरिए बदला जा सकता है बजाय कि आरक्षण के। तो यदि भी क्यों नहीं सरकारी कॉलमों से जाति शब्द ही हटवा दिया जाए? हाँ, मुझे लगता है कि केवल एक किस जाति के कितने लोग हैं और किस तरीके से उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसको जानने के लिए केवल आप स्टेटिस्टिकल डेटा के रूप में अगर उसको इकट्ठा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे आगे मुझे लगता है कि हम जातियों को जिस तरह से आप जातियों के संस्कारों को, बोलियों को, उपभाषाओं को, उपबोलियों को, उनकी छोटी छोटी प्रथाओं को, उनके लोक संगीत को सहेजने की कोशिश करें तो एक दीगर बात है, उसकी तो कोई कोशिश दिखाई नहीं देती। हम लगातार
और उनके संस्कारों को आज आप देखिए कि हमारे झाबुआ में भगोरिया होता था, उस भगोरिया की अपने एक महत्व था, लेकिन अब भगोरिया की मार्केटिंग होती है। भगोरिया में आप जाते हैं तो झाबुआ के भील और आदिवासी आपको रेबेन का चश्मा और पेपे की जींस पहने हुए दिखाई देते हैं, वहां पर भी बेहतरीन महंगे नाइक के और रिबॉक के जूते पहनने का चलन हो गया। तो आपने क्या दिया उनको विकास के नाम पर? आरक्षण की बजाय हमें इन जातियों को, पिछड़ी जातियों के लोगों को, आप क्या चाहते हैं? मुख्य धारा सब आ जाए, मतलब सब वैसे ही हो जाए, सब जगह वही मैकडोनाल्ड और पिज्जा बर्गर हो। हमारी जो अवधारणा है, मुझे लगता पता नहीं हम किस तरीके से सोचते हैं। हमने आरक्षण इसलिए दिया था क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हमारी जाति के लोग श्रेष्ठ हैं और उसी के आधार पर उन्हीं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वैसे लोग ऐसा दमन शोषण नहीं कर पाए, इसलिए आपने व्यवस्था कर दी कि ये भाई ये पिछड़ी जाति का है तो भी इसको पढ़ने का, आगे बढ़ने का हक है। लेकिन एक पीढ़ी का व्यक्ति अगर चार पीढ़ियों तक आरक्षण ले चुका है, उसकी पीढ़ी के सभी लोग अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं अच्छी, और फिर उसके बावजूद भी अगर नहीं पहुंचे, तो आप कोशिश ये कर रहे हैं कि वो हमेशा उसी तरीके से मूर्ख बने रहे। आप एक तरीके से जो प्रतिभा है उसको हतोत्साहित कर रहे हैं, और जो कम जानकार लोग हैं, जो शिक्षा में टैलेंट को महत्व नहीं देते, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी परिवार में लोग दब्बू हैं और आरक्षण के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमेशा दब्बू बने रहेंगे। तो आप किस तरह की व्यवस्था कायम कर पा रहे हैं आरक्षण के जरिए, समझना मुश्किल है। अभी गुर्जर आंदोलन के बहाने दरअसल बात आरक्षण पे होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि वो पटरियों पर जो बैठे हैं, रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी से भी हाल ही में बात जब हुई थी तो उन्होंने कहा था कि लोग बता दें मैं क्या हल करूं, पटरियां रोक के बैठे हैं, मुझे रेलों को इधर उधर डाइवर्ट करना पड़ रहा है, आम जनता करोड़ों की संख्या में परेशान हो रही है, ट्रेनें 5, 6, 8, 10 घंटे लेट हो रही हैं, कुछ ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। अब आप इस तरीके से पटरी पर बैठकर अपनी बात मनवाने की जिद पर अड़ जाएं, तो ऐसे तो कोई भी पटरी पर बैठकर कुछ भी मनवाने लगेगा। कल को किसी ट्रैफिक चौराहे पर कोई खाट बांधकर और बकरी लगाकर बैठ जाएगा और कहेगा मेरी बात मानी जाए तब तक मैं इस चौराहे से नहीं हटूंगा। मुझे लगता है कि मनमानी करने का ये जो तरीका ये ठीक नहीं है। अगर उनकी कुछ ऐसी मांगे हैं जिनको सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन ये तरीका तो निश्चित तौर पर गलत है। गुर्जर चौथी बार बैठे हैं, तो ऐसे में इसका हल कहां देखते हैं आप? देखिए कि इसमें कितनी जाने गई हैं, लगभग 74 लोग मारे जा चुके हैं आंदोलन के दौरान। तो ये चौथी बार बैठे हैं और ये बार बार वही बात करते हैं और बार बार बात वहीं जाके अटक जाती है कि आखिर कितनी जातियों को कब तक आरक्षण दिया जाता रहेगा। कोर्ट की भी सीमाएं राजस्थान में आप देखें तो अन्य जातियों को इतना सारा आरक्षण मिल चुका है कि और गुंजाइश उसमें नहीं बच पाती। तो मुझे लगता है कि इसमें व्यावहारिक दिक्कतें भी हैं और ये बार बार पटरियों पर बैठे हैं, उसकी बजाय इसका कोई स्थायी हल ढूंढा जाना चाहिए। तो क्यों ना आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए? देखिए आर्थिक में भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, मुझे लगता है कि प्रतिभा के आधार पर तय होना चाहिए और हमें व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि हम सही प्रतिभा का आकलन कर सकें। जो व्यक्ति, जो बच्चा पढ़ने में तेज है, मेधावी है, वो गरीब हो अमीर हो, उसको आगे बढ़ने के मौके हमको देने होंगे, और जो पढ़ने में तेज नहीं है उसको पीछे छोड़ने के बजाय उसको दूसरे ऐसे कुशल शिक्षा संस्थानों में भेजकर, जिससे वो जो स्किल इंडिया की आप बात कर रहे हैं, वो नारे देने से नहीं होगा। केवल जो MBA कर रहे हैं या IIT IIM कर रहे हैं उन्हीं के लिए देश में जगह नहीं है। जो लोग अगर हमारे यहाँ आप देखिए बल्कि कि जो कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, कारपेंटर हैं, इस तरह के लोगों की कुशलता दिन ब दिन कम होती जा रही है। आप फोन कीजिए, अच्छे इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलते, अच्छे कारपेंटर नहीं मिलते, अच्छे प्लम्बर नहीं मिलते। इनको तैयार करने के लिए हमारे यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। हर कोई MBA IIT IIM और डॉक्टरी करना चाहेगा तो उससे समाज बन नहीं सकता। आप ये देखिए कि अगर किसी के अंदर कोई प्रतिभा है तो वो किसी भी वर्ग से आता हो उसको स्थान मिले, और खास तौर पे यदि वो पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहा है तो वो शिक्षित हो। आप अच्छे स्कूल खोलिए, ऐसे स्कूल खोलिए जहां सभी को दाखिला मिले, आरक्षण देने की जरूरत क्या है? और उस दाखिले के आधार पर उसने जो शिक्षा हासिल की है तो फिर नौकरी में आरक्षण देने की क्या जरूरत है? पहले तो आप दो स्तर पे करते हैं, आप स्कूल में भी देते हैं, कॉलेज में भी देते हैं, फिर नौकरी में भी देते हैं। अगर आपने आरक्षण देकर स्कूल कॉलेज में उसको अच्छी पढ़ाई करवा दी, उसने अच्छे अंक हासिल कर लिए, तो अपने आप अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी उसको क्या? आप नौकरी और स्कूल में दोनों में आरक्षण कैसे दे सकते हैं? आप उसको स्कूल में किताबें मुफ्त दे दीजिए, कह दीजिए कि ये बच्चा अगर इस समाज से, इस जाति से आता है तो उसको सारी किताबें मुफ्त हैं, उसकी यूनिफॉर्म मुफ्त है, उसका स्कूल का आना जाना मुफ्त है, लेकिन वो पढ़े तो? अगर वो पढ़ेगा नहीं फिर भी डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, तो समाज में जाके क्या काम करेगा वो? मुझे लगता है ये मूल अवधारणा जो आरक्षण की है, मेरा इससे विरोध है। हमें न आर्थिक आरक्षण देने की जरूरत है, न जातिगत आरक्षण देने की जरूरत है। हमें ऐसा माहौल देने की जरूरत है जहां कोई भी प्रतिभा तिरस्कृत ना हो, किसी भी प्रतिभा का। आप देखिए कि हमारे यहां से ब्रेन ड्रेन जो हम कहते रहे वो क्यों हुआ इतने लंबे समय तक? हिंदुस्तान में अच्छे से अच्छी शिक्षा हासिल, आज भी आपके IIT और IIM के टॉपर्स जो है वो विदेशों में क्यों चले जाते हैं नौकरी करने? अब सिर्फ तनख्वाह मुद्दा नहीं है, तनख्वाह हिंदुस्तान में भी अच्छी मिलने लगी, उसके बावजूद आदमी बाहर जाना चाहता है। बाहर जाता परिवेश के लिए, माहौल के लिए। उसको मालूम है मेरी प्रतिभा का दमन नहीं होगा, मेरे साथ दफ्तर में ऐसी राजनीति नहीं होगी जिसकी वजह से मुझे हतोत्साहित होना पड़े, कुंठित होना पड़े। आपने माहौल खराब बनाया है।
आरक्षण देने के बावजूद यदि दफ्तर में किसी को पता है कि ये पिछड़ी जाति से, तो जिस तरीके से उसको अपमानित किया जाता है, क्या वो सही? आरक्षण से आपने क्या उस दमन को रोक लिया? क्या उस अपमान को रोक लिया? तो जब आप उस अपमान को नहीं रोक पा रहे, तो आरक्षण से आपने क्या हासिल किया? और हिंदुस्तान से आदमी बाहर इसलिए जा रहा है कि वहां पर केवल उसकी प्रतिभा की बात होती है, उसकी जाति की बात नहीं होती। कुछ अपवाद हैं विदेशों में, गलत बात यह कि वहां चमड़ी का रंग देखा जाता है, पर वो भी एक सीमित दायरे में, और उससे भी लड़ने के लिए सरकार कोशिश करती है। और हमें कोशिश करनी होगी कि कोई जाति क्या किसी भी आधार पर अपमानित ना हो। अगर उसके अंदर टैलेंट है, उसमें प्रतिभा है, उसमें नैसर्गिक गुण है, तो कैसे हम माहौल बनाएं कि वो पल्लवित हो, उसके जो अंकुर फूटे हैं उससे अच्छा जो बीज है वो निकल के बाहर आए, और उन अंकुरों से एक बड़ा पेड़ बनकर तैयार हो आने वाले समय में, वो हिंदुस्तान का पूरी शान के साथ प्रतिनिधित्व करे, बजाय कि वो ये सोचने की कि मैं किस जाति से हूँ, वो ये सोचे कि मैं किस देश से हूँ और इस देश ने मुझे ऐसा माहौल दिया कि मेरी प्रतिभा पुष्पित और पल्लवित हो सकी। कहाँ आरक्षण की बात रह जाती है? तो क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे का सर्वमान्य हल निकल पाएगा कोई? नहीं, आप अगर लोगों से पूछने जाएंगे तो कभी नहीं निकलेगा। जो मुफ्त की मलाई खाने के आदी हैं, उनको आप मेहनत करके खाने का कहेंगे तो कभी नहीं खाना चाहेंगे वो। ये कड़वा सच है, लेकिन इसको किसी न किसी को बोलना और स्वीकारना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने अपनी प्रतिभा के दम पर, अपने अच्छे अंकों के दम पर नौकरियां हासिल की, उनका क्या होगा? आप तो केवल आरक्षण की बात कर रहे हैं। हमारे यहां इस तरह के घोटाले हुए हैं व्यापम जैसे, जिसमें कि लोग केवल पैसा देकर डॉक्टर बन गए हैं। तो उसमें जिस व्यक्ति ने मेरिट के आधार पर डॉक्टर बनना था और उसकी कुर्सी चली गई, उसका आपने किस तरीके से दमन किया है? ये तो जाति से भी बड़ा दमन हो गया। उसके अच्छे अंक थे, उसने अच्छी पढ़ाई की, लेकिन किसी व्यक्ति ने अपनी सेटिंग के जरिए, पैसों के जरिए, कागज पर हेरा फेरी करके, दूसरे व्यक्ति के जरिए परीक्षा दिलवाकर ऐसे अंक हासिल कर लिए जो पढ़े लिखे व्यक्ति से ज्यादा अंक हो गए उसके, तो ये तो और आगे की बात हो गई। आप उस व्यवस्था को रोकने की कोशिश तो कर नहीं रहे, और आप बात कर रहे हैं आरक्षण की। मुझे लगता है आरक्षण आज की तारीख में बिल्कुल गैर जरूरी है। आरक्षण की बात करना भी गलत है, और जिन लोगों को आरक्षण की बात करने से बुरा लगता है, उनको इसलिए बुरा लगता है कि उनको मुफ्त की मलाई खाने की आदत हो गई है। जातिगत आधार पर जो भेदभाव गांवों में, दूरदराज के इलाकों में हो रहा है, उससे इनकार नहीं है, उससे आंख नहीं मूंदी जा सकती, लेकिन उस आरक्षण को दूर करने के लिए, उस भेदभाव को दूर करने के लिए आरक्षण सही रास्ता नहीं है। ये तो कम से कम पिछले 60 सालों में तय हो चुका है। आरक्षण की बजाय सामाजिक बदलाव और सामाजिक क्रांति ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके जरिए हम उस भेदभाव को, सदियों से हो रहे उस दमन को रोक सकते हैं। युवा पीढ़ी ज्यादा जागरूक और समझदार है, वो नहीं सोचना चाहती कि मैं किसके साथ उठ बैठ रहा हूं, टिफिन खा रहा हूं, लेकिन जब उसको पता चलता है कि मेरे साथ उठने बैठने वाला हर मामले में बराबर मेरे साथ नहीं है, मेरे को अगर ज्यादा नंबर आएंगे और इसको कम नंबर आएंगे तो भी इसको मेरे से बेहतर नौकरी मिल जाएगी, जब उसको ये पता लगता है, तो बल्कि ज्यादा बड़ा भेदभाव उस स्तर पे नजर आता है। इसलिए मुझे लगता है कि अब हमको केवल प्रतिभा के बल पर देश में आगे बढ़ने की नीति अपनानी चाहिए, बजाय कि किसी और आरक्षण नीति के। धन्यवाद जदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे आरक्षण को लेकर राजस्थान में चल रहे गुर्जर आंदोलन की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।